जी के संग में हमारे आज के मेहमान हैं अब्दुल स्तार ईदी के बेटे और ईदी फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी फैसल ईदी। ईद के रोज़ उनसे मुलाकात के लिए हम गुलबर्ग लाहौर में वाके ईदी होम गए, जहां उन्होंने हमारा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कैसे हैं भट्टी साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। आपको खुश आमदेद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आ जाएं। कैसे हैं आप? बस हम हाथ नहीं मिला सकते, मिल नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग जो रखी है। कैसे हो बच्चों? ईद मुबारक आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या है, खाने पीने की चीज़ें चल रही हैं? फैसल साहब, सबसे पहले तो ईद के साथ साथ आपको नई ज़िंदगी और सेहत भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। देखिए, इसमें तमाम पाकिस्तान का मैं मशहूर हूँ, बल्कि दुनिया के तमाम लोगों का मशहूर हूँ जिन्होंने हमारे लिए जो है वो दुआएं की मेरी सेहत याबी के लिए। प्राइम मिनिस्टर से जिस दिन आपने मुलाकात की, उससे अगले दिन ही आपको कोरोना हो गया, असल कहानी क्या थी? कोरोना तो मुझे पहले से ही होगा, मैं कैरियर था उस वक्त और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं कैरियर हूँ, और कम से कम भी मैं 4-5-6 दिन पहले से जो है वो इसको कैरी कर रहा था, और अंदाज़न मुझे जो ये लगा है कोरोना, वो लगा है या तो राशन की तकसीम में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में या कराची के मुख्तलिफ इलाकों और लोगों के जो वफद आ रहे थे उनमें से किसी बेहतियाती की वजह से लगा है, या जो है वो मेरे दफ्तर में भी जो है वो मुमकिन है मेरी वजह से उनको लगा है या उनकी वजह से मुझे लगा है। लेकिन मेरे से 2-3 दिन पहले एक पॉजिटिव आया मेरे दफ्तर में, जो एम्बुलेंस का मरकज़ जो हमने बनाया हुआ था ना कराची में, वो एम्बुलेंस कंट्रोल रूम है हमारा, उसमें मेरी रोज़ाना बैठक होती थी। आपको किस वक्त अंदाज़ा हुआ कि कोरोना आप पे हमलावर हो चुका है? इमरान खान साहब को जब मैंने चेक दिया, इसके अगले दिन मैं टीवी पे इंटरव्यू देने के लिए गया, थकन वाला दिन था, थका था बहुत ही, तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे थकन लगी हुई है और सर में दर्द हो रहा है, हालांकि मुझे कभी सर में दर्द होता नहीं है और ढीठ आदमी हूँ, मतलब मेरा जिस्म जो है वो बहुत ही मजबूत आदमी मतलब ये इतनी आसानी से जो है वो कमज़ोरी को कबूल नहीं करता। तो मेरे बेटा भी मेरे साथ था और 2-3 और हमारे वॉलंटियर्स भी मेरे साथ थे, इस्लामाबाद के इंचार्जेस भी थे। तो मैं सोफ़े पे लेटा हुआ था, रात का महल से 9-9:30 बजे थे या 10 बजे होंगे, 10:30 बजे होंगे, मेरा बेटा मेरे पाँव के पास बैठा हुआ था और मैंने साथ को कहा, साथ मेरा सर दर्द हो रहा है और मेरे पाँव दोनों दर्द हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुझे जो है ना बुखार भी आ गया, 1.5-1 घंटे के बाद मैंने कहा, साथ मुझे सिम्टम्स आ गए कोरोना के और आप सब लोग जो हैं वो मेरे से कम 5-6 फुट के फासले पर रहें। दिन में बिल्कुल सही होता, रात को मुझे बुखार आता, सर दर्द होता और जिस्म में दर्द शुरू हो जाता। फिर मैंने अगले दिन कहा कि साथ वही सारे सिम्टम्स मुझे दोबारा से रिपीट हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जो है मुझे कोरोना हो गया। लेकिन जब पहले दिन मुझे ये सिम्टम्स आए थे, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। क्या उस वक्त फीलिंग थी? डर लगा? नहीं नहीं, डर नहीं लगा, डर बिल्कुल भी नहीं लगा, और थोड़ा सा जो है वो परेशानी हुई कि कहाँ से लगा है, क्या हुआ है, और सबसे ज़्यादा फिक्र ये थी कि अब मैं चूँकि आइसोलेशन में हूँ तो सही, लेकिन अब पक्का आइसोलेशन हो गया मेरा, और काम जो है वो मुझे करने थे, सारे विज़िट करने थे, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे, पंजाब है, सरहद है, बलूचिस्तान के इलाके हैं, सिंध के इलाके हैं, वहाँ पर हमारे वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, लाशें नहीं उठा रहे थे, ज़ख्मी भी नहीं उठा, ये कोरोना के जो मरीज़ हैं वो भी कुछ शहरों के अंदर नहीं उठा रहे थे, तो उसमें मैं मेरा बेटा, हमारी पूरी टीम जो है ना वो फ़िक्रमंद थी, और जब मैं ख़ुद बंद हो गया तो और ज़्यादा फिक्र बढ़ने लगी कि कमांडर ही अगर वहाँ पे नहीं पहुँचता। हाँ, तो मुझे जाना ज़रूरी था, कराची की हमारी टीमें थी उनमें भी बहुत खौफ था, लेकिन सबसे पहला मरीज़ जो कराची में आया था, पहले तो हॉस्पिटल से उन्होंने डिक्लेयर किया, जो पहला मरीज़ घर से उठाया वो मैंने उठाया था, वो हमारे पड़ोस में ही था। अगर खुदा ना खास्ता किसी इलाके में कोई बंदा कोरोना की वजह से वफात पा जाता है, तो उसको दफनाने के क्या SOPs हैं? एक तो प्रॉपर गेयर के साथ जो भी आएंगे उसको टच करेंगे, उसको लेके जाएंगे गुसलखाने, और उस मैयत को जो है वो साबुन के साथ धोना है, उसके कपड़े के जो है ना वो कंटामिनेटेड हैं,
वो कपड़े आप इनके उतार के किसी एक थैली में डाल दें और उस मैयत को आप साबुन से जो है वो किसी भी साबुन से सादे पानी से धो लें, एक दफ़ा धो लें बहुत है। और फिर गुसल का क्या होता है कि वज़ू कराना होता है मैयत को, इसके बाद आप वज़ू करा लें, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन जो गुसल देने वाला है उसको प्रॉपर गियर पहनना ज़रूरी है। हमने ग्लव्स दिए हुए हैं 18 इंच वाले, एप्रन्स दिए हुए हैं और जूते दिए हुए हैं, और एहतियात से धोए ताकि पानी ना उड़े। ये जो होता है कि आम तौर पे लोग इतने खौफज़दा हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे किसी बंदे को कोरोना हो गया है, घर के किसी फ़र्द को कोई कोरोना हो गया और कल को वो अगर फौत हो जाता है तो उसे नज़दीक भी नहीं जाने दिया जाएगा, उसको मुंह भी नहीं देखने दिया जाएगा, उनकी अपनी टीम जाएगी, वो उसको ताबूत में लिटाएगी और जाके उसको दफन करेंगे और लोगों को उससे दूर दूर रखा जाएगा, बल्कि कोशिश करते हैं कि उसके जनाजे में भी लोग शिरकत ना करें। देखें, आप ग्लव्स पहन के उस मैयत को भी टच कर सकते हैं, फिर टच करने के बाद उस ग्लव्स को आप उतार दें और तरीके से उतारें कि आपका जो है वो जिस्म का कोई हिस्सा उस ग्लव से टच ना हो। लेकिन उस जनाजे में सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन। जनाजे का मसला ये है कि फिर जो हमारे यहाँ रिवायती जनाजा होता है ना, उसमें फिर लोग चुपक के खड़े हुए होते हैं और मैं अगर ब्लाइंड कैरियर हूँ तो मैं फैला सकता हूँ। आप जब इमरान खान से मुलाकात के लिए गए तो आप तो इतनी खतीर रकम लेके गए थे उनके कोरोना फंड में और उन्होंने आपको पहचाना ही नहीं। शायद मुलाकात अब 4 साल पहले हुई हो तो कौन पहचान, मैं आपसे 4 साल पहले मिलूँगा तो आप ही मुझे नहीं पहचानेंगे। आप जब क्वारंटाइन में थे उन दिनों आपने फिर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की? गर्म पानी में मैं लौंग डालता था और वो जो हमारी मेमनी ज़बान में कहते हैं तज, गर्म मसाला है, उर्दू में कहते हैं दार चीनी। जी बिल्कुल ठीक है, खुशबू के लिए। लेकिन उसकी कोई क्वालिटीज़ भी हैं, उसकी उसके फ़वाइद भी हैं। गर्म पानी माइक्रोवेव में मैं कर लेता था, इसमें यह डालता था लौंग और तज और उबल जाता था, फिर मैं पीता था। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती थी तज की, और सिलोन का तज इस्तेमाल करता था। और लौंग का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेशन की जो है ना क्वालिटीज़ हैं। एंटी इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन को जो है ना ये कम करता है, और ये आपके यहाँ पर सारी सूजन हुई हुई होती है जिसकी वजह से आपके सांस की नाली जो है वो बंद होती है। या पीते थे इसका क्या? मैं ये गर्म पानी में डाल के, आप ग्रीन टी में भी डाल के पी सकते हैं, गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं। मैं 2 से 3 बार ये करके पीता था। और नींबू जो है ना इसमें मैं डाल देता था, आधा नींबू या 1 नींबू। विटामिन सी की गोलियां खाता था मैं दिन में 1 बार या 2 बार, और कलुंजी दिन में 1 या 2 बार, 10-15 दाने कलुंजी के सुबह और शाम पानी के साथ। हाँ, चबा के मैं खाता था ताकि वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाए। मैंने उनको कहा कि मैं वॉक कर सकता हूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल भी आपको वॉक नहीं करनी, आपको मुकम्मल बेड रेस्ट पे, और रात को अगर आपको सांस की तकलीफ़ हो आपको उल्टा लेटना है, पेट के बल लेटना है, ताकि आपको जो है वो पेट के बल जब हम लेटते हैं ना तो हमारे लंग्स को जो है ना वो अच्छे तरीके से काम करने का मौका मिलता है, उनका ज़्यादा एरिया जो है वो वर्किंग एरिया उसमें आता है, ईज़िली काम कर सकता है। तो कोशिश ये करें, जिनको नमूनिया होता है ना उनको मेरी दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ जाएं, एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करें, जिस्म को थकाने वाला कोई काम ना करें। नमाज भी पढ़ने तक का उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आप नमाज भी ना पढ़ें, आप लेटे लेटे नमाज पढ़ें, लंग्स को के ऊपर स्ट्रेस ना डालें। फिर जब मेरा नमूनिया डेवलप हुआ तो उन्होंने मुझे एंटीवायरल गोली दी, आरबीडॉल, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो चाइनीज़ ने हमें जो है वो दी हैं, बड़ी तादाद में दी हैं, ठंडा बिल्कुल पीने का मना होता है। ईद का दिन है और आप बच्चों के साथ ईद मनाने के लिए ईदी होम आए हुए हैं, तो क्या ये अपने वालिद साहब की रिवायत को ज़िंदा किए हुए हैं आप? जी, वही उनकी, उन्हीं की रिवायत है और उन्हीं के जो जो ये दौर से उनके साथ मैं हमेशा जाता था। मैं पिछले 20-25 सालों से मैं इनसे मुंसलिक था, तो इनमें जाता, इनमें इनको ईद के पैसे भी देते, चीज़ें भी लेकर जाते, ये सारी चीज़ें हम करते हैं ताकि बच्चे खुश होते हैं। ये ईद को थोड़ा रश होता है, लेकिन दूसरी तीसरी ईद को या इसके बाद वाले हफ्ते को जो है वो अमूमन हम इनको लेके जाते हैं ये घूमने फिरने के लिए। अक्सर अमूमन जो बच्चे ऐसे होते हैं जो भागने वाले नहीं होते उनको हम ले जाते हैं।
आप इन बच्चों के साथ इसलिए ईद मनाते हैं ताकि इनको अपने वालदैन की कमी का एहसास ना हो, लेकिन ईद पे आपको अपने वालिद की कमी किस तरह महसूस होती है? सिर्फ ईद नहीं, हर वक्त जो है वो महसूस होती है। इस कोरोना की लड़ाई में भी ईदी साहब की बहुत ही कमी महसूस हुई। मैं तो अभी भी लिहाज करता हूँ, वो तो बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते थे, वो तो वैसे ही चले जाते थे हर जगह, और उन्हीं की वजह से आज हमारी हिम्मत है कि हम कोरोना के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान के अंदर जंग लड़ रहे हैं। फैसल साहब, आपके जो वालिद अब्दुस्तार ईदी साहब थे, उनका ईद वाले दिन क्या मामूल होता था? ईद, पहली ईद को वो जो है वो सुबह अर्ली, मतलब समझ लें 8 बजे जो है वो मुख्तलिफ़ सेंटरों के लिए निकल जाते थे अपने ऑफिस से। बच्चों के लिए जो है वो ईदी साहब ने बहुत सारे गिफ्ट लिए होते थे और इनके पास करेंसी नोट्स होते थे, नई जो करेंसी होती है वो उनमें तकसीम करते थे, ईदी देते थे। फिर भी सारे सेंटर एक दिन में नहीं होते थे, फिर अगले दिन वापस से यही रूटीन होती है, और जो बच गए होते सेंटर हम उन पर जाते। सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी। आप लोगों को वो कब टाइम देते थे? हमारा तो ईदी साहब का चूँकि घर नहीं था ना, हम नानी के घर बड़े हुए हैं और मैं सबसे आखिर में था, आखिरी अकेला रह गया था, सबकी शादियां हो गई, मैं सबसे छोटा था। नानी के घर वो बहुत कम आते थे, हफ्ते में सिर्फ जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती थी जब मैं छोटा था, तो दोपहर के वक्त खाने के लिए आते थे बस, और रमज़ानों में रोज़ा खोलने के लिए आते थे, यही एक रूटीन थी। बाकी सारी ज़िंदगी उन्होंने इदारे को दिया, और जब वो आते थे तो मैं इनको छोड़ने पैदल जाता था कि ईदी साहब रास्ते में अकेले जाएंगे तो कोई नुकसान ना हो जाए, तो हर पूरी रमज़ान में इनके साथ पैदल जाता और मैं ईदी साहब का इंतज़ार करता बाहर फुटपाथ पे बैठ के, जब वो आएंगे तो मैं उनके साथ रोज़ा खोलूँगा। आप उस बाप के बेटे हैं जो हर यतीम का सहारा था, तो आपने उन्हें बतौर बाप कैसा पाया? मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं अमेरिका चला गया 13 साल की उम्र में, मम्मी ने लड़ाई करके ईदी साहब से मुझे भेज दिया, क्योंकि हालात कराची के बहुत ख़राब थे, वहाँ पे बहुत ही खून रेजी थी, सियासी जो है वो अदम इस्तेकाम था, तो ईदी साहब की पॉलिटिशियंस के साथ हमेशा जो है वो मुठभेड़ होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, वो इंटरफेयर करते थे हमारे सिस्टम में, तो ईदी साहब इनको रिटालिएट मतलब करते थे। एक फैमिली से बात की अमेरिका में, मुझे वहाँ भेज दिया और मैं वहाँ चला गया, लेकिन मेरा दिल कभी वहाँ लगा ही नहीं। मैं 3 साल वहाँ रहा, लेकिन हर साल में भाग के आ जाता कि नहीं, मुझे नहीं रहना वहाँ पे। ईदी साहब तो हर एक के काम आते थे, हर एक के साथ बड़ी ही शफकत से मिलते थे, तो फिर भी लोग ईदी साहब के ख़िलाफ़ क्यों हो जाते थे? ईदी साहब जो हैं वो थोड़े से आउट स्पोकन थे, वो तनकीद बहुत करते थे मुख्तलिफ़ शुबेजात के दुकानों को, तो वो जो दुकानदार होते थे जिनकी दुकानें चलती हैं समाज में, जो जिसकी वजह से गुर्बत और अदम इस्तेकाम होता है, दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम होती है, ईदी साहब उसके बहुत ख़िलाफ़ थे और कहते थे कि ये दुकानें बंद होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ का जो एलीट क्लास है, जो हमारा अमीर और अशरफिया है, वो इन दुकानों को चलाना चाहता है। आप भी ईदी साहब के रास्ते पर चल रहे हैं या आप मुतात हो गए? मैं ईदी साहब की बातें कर रहा हूँ अभी भी, तो रास्ता तो वही है। इस लॉकडाउन की वजह से जो माशी बहरान है, इसमें हमें इस वक्त बहुत तंगी है, चंदा नहीं मिल रहा, इसके बावजूद हमने 10 करोड़ रुपए का राशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया। शायद ही कोई एरिया ऐसा हो जहाँ पे हम ना पहुँचे हों, तमाम सूबों में, तमाम शहरों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स तक हम गए हैं जहाँ तक हमारी अप्रोच थी, और हमारा नेटवर्क है एम्बुलेंसेस का, तो बहुत आसानी से रेंजर्स वाले, पुलिस वाले कहते हैं कि आप इस तरह कैसे तकसीम कर रहे हैं कि आपको जो है वो कोई पुलिस की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं। हमने कहा हम डोर टू डोर जाके दे रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं पुलिस, हमें हमारी तकसीम के अंदर कभी कोई मसला ही नहीं होता। ईदी साहब जितने बड़े बड़े बेंचमार्क्स आपके लिए छोड़ गए हैं, तो उनको, उन टारगेट्स को मीट करना, उन फुटस्टेप पर चलना आपके लिए आसान है या मुश्किल? मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने ईदी साहब के साथ ज़िंदगी गुजारी है, तो हमें लगता नहीं है। हम ईदी साहब ने हमें ऐसा ट्रेन किया कि हमें कोई परेशानी, अभी कश्मीर में जलजला आया तो अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर जो आया 2019 के शुरू में आया था या एंड में, इस तरह था, 1 साल हो गया, उसमें हम गए कश्मीर में, तो मैं कराची से आया था, मैं एक दिन बाद पहुंचा हूं, और वहां पे हमने बहुत सारा काम किया, तो लोग बेचारे परेशान थे, हम जो है वो एम्बुलेंसों में सोते थे, फुटपाथ पे सोते थे, स्ट्रेचर गाड़ी से एम्बुलेंस से स्ट्रेचर निकाल के फुटपाथ पे रख देते थे, वहाँ पे सो जाते थे। जब ईदी साहब के दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया, तो क्या उन्होंने आपको कोई ख़ास वसीयत भी की? वसीयत तो कोई ख़ास नहीं, वो जनरल बातें करते थे, और मैं उनको कहता था ईदी साहब मैं नहीं चला सकता, तो वो गुस्से हो जाते थे,
वो गुस्से हो जाते थे, नहीं फैसल तुझे ही चलाना है। मैं उनको मना करता, एदी साहब इतना बड़ा मुझ पर बोझ डाल के जाएंगे मुझे, वो गुस्से हो जाते थे और फिर मजबूरन मैं यह बात नहीं करता था। और मुझे खौफ था बस कि एदी साहब चले जाएंगे तो ये इदारा कहीं हमारा इसको नुकसान पहुँचेगा। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ और अल्लाह की मदद हुई और आज हम वैसे के वैसा काम कर रहे हैं, बल्कि अब हम नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। मैं नया जहाज़ लेकर आया, मज़ीद जो है वो मुझे 3 जहाज़ लेकर आने हैं, उसकी मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में हमने मदद की है, कोरोना हमारी हमारे लोग जो है, हमारी हुकूमतें भीखे मांग रही हैं दुनिया से और हम जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं जिन मुल्कों से ये भीखे मांग रहे हैं। हमने इटली की मदद की है, हमने ईरान की मदद की है, हमने चाइना की मदद की है, हमने जो है वो इंग्लैंड और अमेरिका तक की मदद की है कि कोरोना के मरीज़ों की आप मदद करें, हुकूमत पाकिस्तान की मदद की है। तो ईदी फाउंडेशन वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जिसने मदद की है बाहर के मुल्कों की, और हमें फ़ख्र है इस बात का कि हमें ईदी साहब ने इस काबिल किया। आप हुकूमत पाकिस्तान की मदद करने के लिए ही तो गए थे, जब उन्होंने आपको पहचाना ही नहीं, क्या महसूसात थे उस वक्त आपके? मैं परेशान था, मैंने कहा यार मुझे 2 काम थे इनसे, एक तो मुझे चार्टर चाहिए था, ईदी साहब के नाम से एक यूनिवर्सिटी में कायम करना चाहता हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान में चलेंगी। अगर मैं वो चार्टर वफाकी हुकूमत से लूँ तो फिर मुझे हर सूबे से चार्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फेडरल चार्टर जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस खोलने के लिए। और दूसरा, हमसे जो है वो पिछले 2 सालों में 10 करोड़ रुपये टैक्स वसूल किया गया है। हमारी जो तकरीबन 200 गाड़ियाँ आई हैं उस पर टैक्सेस लिए गए। हमने रेस्क्यू बोट्स ली हैं जो कि समंदर में या नहरों में या सैलाब जब आते हैं हम उनको यूज़ करते हैं, उनके ऊपर 20-25 लाख रुपये टैक्स ले लिया गया। इसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ हमसे ले ली गई 5-5, 7-7 करोड़, 7-8 करोड़ रुपये की। और हम इतने मकरूज़ हैं कि साल के हमें जो है वो 6-7 अरब डॉलर इनको कर्ज़े देने हैं वापस। तो मैंने उनसे कहा, उनको मैंने लिस्ट दी, एक लेटर दिया कि ये कुछ चीज़ें हैं जो उनको जो हमें टैक्स एग्जम्प्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत है और हमने की हैं तो उनका भी टैक्स हमें वापस कर दें। और ये हमने पहले भी इनको ख़त लिखे हैं, 2-2.5 सालों से हमारे खतूत जा रहे हैं, नवाज़ शरीफ हुकूमत को भी गए थे, इनको भी गए थे, तो कोई रिस्पांस ही नहीं आता। और अब पिछले दिनों रिस्पांस आया, चेयरमैन ने कहा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, शब्बर जैदी साहब ने। मैंने जो है वो कमेटी होती है फाइनेंस ये मिनिस्ट्री की, कॉमर्स मिनिस्ट्री की, उनको भेज दी है, जिसमें शायद वो हमारे मेमन साहब हैं ना, वो इसको लीड करते हैं, दाऊद करके कोई हैं, रजाक दाऊद, तो उन्होंने भी कंसिडर नहीं किया, वो अपने अरबों रुपये माफ़ कराने के चक्करों में लगे हुए हैं सब। लैंड क्रूजर्स 4x4 हमें चाहिए, सेकेंड हैंड इम्पोर्ट कर रही है, एक पोर्ट पे पड़ी हुई है, आज 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, रिलीज़ ही नहीं कर रहे हैं। ईदी फाउंडेशन जो इतने बड़े बड़े वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया के और ममालिक में भी जाके लोगों की इमदाद कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो डोनेशंस हैं ये पाकिस्तानी आवाम से मिलते हैं या हुकूमत भी आपको कोई डोनेट करती है? नहीं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी आवाम डोनेशन करती है और अपील भी लोगों से करते हैं, और ये पॉलिसी एदी साहब के ज़माने से आज तक चलती आ रही है और अल्लाह का शुक्र है हमें इतना मिल जाता है कि हम चल जाते हैं, हमारा पूरा अखराजात चलते हैं, और बल्कि हमें कुछ रिज़र्व भी मिल जाता है जो कि हम उसको रखते हैं, और अब इस वक्त हम अपने रिज़र्व में से पैसा कर रहे हैं। यानी हुकूमत से आप इमदाद लेते नहीं, हुकूमत को देते हैं? टैक्स भी देते हैं और इमदाद भी देते हैं। एदी फाउंडेशन को मैं अगले फेज़ की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। हम इस वक्त लेबर फोर्स हैं और हम अभी जो है वो पूरे नेटवर्क के अंदर हम नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उसके अंदर स्किल्स लेकर आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स लेकर आ रहे हैं, और हम एक नए फेज़ की तरफ जा रहे हैं जिसको प्रोफेशनल फेज़ कहते हैं। फैसल ईदी भी अब्दुस्तार ईदी मरहूम की तरह एम्बुलेंस में सफ़र करते हैं। शिप लाहौर में वाके एक और ईदी होम पहुंचे, वॉलंटियर से मुलाकात करवाई। ये जो गियर्स होते हैं ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद क्या इनको फेंक दिया जाता है? नहीं, हमारे तकरीबन गियर्स जो हैं वो रीयूजेबल हैं, हम उनको डिसइंफेक्ट करते हैं फिर दूसरे मरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरी मैयत के लिए। इस तरह तो फेंकना जो है वो हमारे लिए बहुत महंगा होगा
और जो है वो गरीब मुल्क जैसा हमारा है उसको इस तरह की महंगी किटें इस्तेमाल करके फेंकना जेब नहीं देता। फैसल ईदी ने कोरोना मुतासरीन के लिए राशन पैकिंग के इंतजाम का जायजा लिया। फैसल ईदी ने अपने बेटे और ईदी फाउंडेशन के वाइस मैनेजिंग ट्रस्टी साद ईदी से भी मुलाकात करवाई। साद, ईद का दिन है और आपकी एज के लोग तो इस वक्त दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं और आप यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, आप तो को बुजुर्ग से नौजवान लगते हैं मुझे। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत कम है। मैं जो ना, आप ये समझ सकते हैं कि मैं बहुत छोटी एज में मैच्योर हो गया हूँ। मैं तकरीबन पंजाब में पिछले दो महीनों से यहाँ पे हूँ। ये कोरोना वायरस के हवाले से और सारी चीज़ें, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, कभी पंजाब कभी KP, अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरे साथ टीम है मेरी, यहाँ पे वॉलंटियर्स वगैरह हैं, उनके साथ अब हम लोग गिलगित बल्तिस्तान भी जाएंगे। आज रात को या कल सुबह तक हम निकलेंगे वहाँ पे। वहाँ पे कुछ राशन के डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर विज़िट करेंगे, तो काम जारी रहेगा और जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक कोई घर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। ये गिलगित के लिए पैकिंग हो रही है और फिर शुमाली जात के इलाके जो हैं उनके लिए हो रही है। मुमकिन है कि अगर लॉकडाउन ज़्यादा हुआ या माशी हालात बहुत ख़राब हुई और लंबा अरसा चली तो एक और फेज़ जो है वो मैं लोगों के साथ प्लान कर रहा हूँ, हमारे वर्कर्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, कि शायद हमें एक और राशन का फेज़ हमें निकालना पड़े अगर लोगों ने चंदा दिया तो। कैसी तरबियत की है आपने अपने बच्चों की? इनकी तरबियत ईदी साहब ने की है। ये साद ईदी साहब और मेरी बहन का बेटा लंदन जा रहे थे, ईदी साहब को अवार्ड मिलने वाला था, तो मुझे कहा था इन्होंने कि चलो, मुझे ट्रैवलिंग से जो है ना कोफ्त आती है, तो मैंने मना किया कि आप चले जाओ, ईदी साहब मुझे ले जा रहे थे, मैंने कहा इन लोगों के साथ चले जाओ। एयरपोर्ट पर जो है वो इसका पासपोर्ट जब देखा ना तो उसमें कंडीशन थी कि ये अपने बाप या माँ के साथ ट्रैवल कर सकता है। छोटा था अभी? हाँ, छोटा था। अच्छा, ईदी साहब 3-4 घंटे पहले ही हमेशा एयरपोर्ट चले जाते थे, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि ये ट्रैवल नहीं कर सकता है, ईदी साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा फैसल अभी अभी इधर आओ, मैं तुम्हारी टिकट ले रहा हूँ, मेरे साथ चलो। मैंने कहा साथ को छोड़ दो, आप चले जाओ। उसने कहा अगर साथ नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा यार अल्लाह, मैंने जल्दी जल्दी एयरपोर्ट पहुँचा बैग लेके कि मैं समझाऊँगा एयरपोर्ट पर। जैसे ही मैं ईदी साहब को आके समझाना शुरू किया तो ईदी साहब ने मुझे डांट के बोला जाके वो कुर्सियाँ पड़ी हुई है ना वहाँ पे बैठ जाओ। असाद, आपने अपने दादा को देखा जिनका बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया उन्हें मानती है, और फिर उसके बाद आपने अपने वालद साहब को भी देखा, तो आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? अच्छा, डिफरेंस तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ फील करता हूँ, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ईदी साहब ने बनाए थे उन्हीं प्रिंसिपल्स पर ये इदारा चल रहा है, और पापा भी ईदी साहब से मतलब नए सिस्टम लाने के लिए पापा भी कोशिशें करते थे, तो ईदी साहब से वो ईदी साहब भी मना करते थे और इस तरह की सारी चीज़ें होती थी। अब मैं भी इस तरह का करता हूँ, पापा मुझे भी मना करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो चल रही होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती है उस पर मैं माइल कर लेता हूँ कि ये चीज़ें करनी है हमें, तो वो फिर वो हम बैठ के डिसाइड करते हैं और फिर करते हैं। आपकी वालदा बिल्कीस ईदी साहब ये कहती हैं कि ईदी साहब हमारे नहीं हुए, हम उनके हो गए, इसका क्या मतलब है? ईदी साहब, उन्होंने अपना घर नहीं बनाया कभी, और एक खातून, एक पाकिस्तानी जो मशरक़ी खातून होती है उसका तो एक ही ख्वाब होता है ना कि मेरा घर हो, मेरा मियाँ हो और मेरा कुंबा हो। मम्मी जो है वो बिल्कुल बेसिक उसी जो है वो प्रिंसिपल पे और उसी ख्यालात की हैं, उतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन ईदी साहब का प्रोग्रेसिव तरीके से बहुत साथ दिया, इसलिए जो है ईदी साहब इनके नहीं हुए लेकिन हम सब ईदी साहब के हो गए। आपके जो दूसरे बच्चे हैं क्या उनका रुझान भी इस तरफ है? मेरी दो बेटियां हैं और एक बेटा है। एक बेटा जो है वो 10 साल का है, 11 साल का, वो चौथी क्लास में या 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, और दो बेटियां, एक जो है वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रही हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया, और एक बेटी मेरी जो है वो MBBS की स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में है, हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची के अंदर, और वो कहती है कि मैं बिल्कुल गायनेकोलॉजी की डॉक्टर बनूंगी, और जो है वो लोगों औरतों की पाकिस्तान में औरतों के साथ बहुत बहुत तकालीफ हैं, बहुत परेशान हैं, 21वीं सदी में जाने के बाद भी जो है वो औरतें इतनी छोटी छोटी परेशानियों का शिकार हैं कि मैं डॉक्टर शेरशाह हैं हमारे, वो उनसे बहुत इंस्पायर्ड हैं। अल्लाह करेगा तो वो डॉक्टर बनेगी, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह दौलत नहीं कमाएगी, जो है वो लोगों की खिदमत में आएंगी। जब आप बच्चे थे तो आपने अपने वालिद साहब से एक बार बाइक की फरमाइश की थी और उन्होंने आपको मना कर दिया था, तो क्या आज
अपने बच्चों को आप उसी तरह मना कर देते हैं या उनका दिल रख लेते हैं? नहीं है, ये ढल चुके हैं, इनको भी शौक नहीं है। ये भी मोटरसाइकिल चलाता है और यूनिवर्सिटी जबिस्ट यूनिवर्सिटी पढ़ता है ये। मुझे साइकिल का शौक़ था तो एडी साहब ने मना किया था कि अगर आपको चाहिए, हम चूँकि जिस एरिया में रहते थे वो सारा वर्किंग एरिया, वर्किंग क्लास का एरिया है, और उसमें एडी साहब ने कहा कि देखो ये सब बच्चे जो हैं इनको भी दिला के देनी पड़ेगी, तो मेरे पास नहीं है इतना पैसा। तो मैं खामोश होकर बैठ गया। मेरे पास जो इस वक्त मेरी अपनी ज़ाती जो चीज़ है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है मेरे पास प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में मेरी जो ज़ाती प्रॉपर्टी है वो सिर्फ होंडा 70 है जो मेरे नाम पर है, बाकी कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं है। मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरी बहन का है और बाकी कोई चीज़ नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी वो सारी इदारे की एम्बुलेंस इस्तेमाल करता हूँ जाइए, और इदारे के अलावा कोई काम भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम है लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। जैसे ईदी साहब थे वो भी हमेशा कहीं पर जाते थे तो वो एम्बुलेंस में ही जाते थे, आप भी अभी आए हैं तो आप एम्बुलेंस पर ही आए हैं, तो आप अपने लिए कोई अच्छी सी गाड़ी क्यों नहीं रख लेते? ये तो हमारी सिंबल है और ज़रूरत ही नहीं है, क्या इशू है? आपने मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ़ आफात के मौके पर वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स किए हैं, फ्लाई काम किए हैं, तो आपने किस हकूमत को देखा है कि जिसकी अप्रोच सबसे ज़्यादा अच्छी हो, जो ज़्यादा खलूस के साथ आवाम की फलाह में दिलचस्पी ले रही हो? मुझे तो कोई भी नहीं लगा। ये सब जो है वो इलीट क्लास की पार्टियां हैं, यहाँ पे कोई वर्किंग क्लास की पार्टी नहीं है, कोई किसानों की, कोई मज़दूरों की पार्टी नहीं है जो कि अपनी क्लास के लिए काम करें। ये सब आते हैं अपनी क्लास के लिए करते हैं। कोई लड़कियों के कॉलेजेस के भी कोई चक्कर लगाए होंगे, कभी कोई ऐसा कोई वाकया? चक्कर तो खैर बहुत सारे कॉलेजों के अलावा भी बहुत सारे लगाए इलाके के अंदर ही मुझे कुछ चीज़ें पता है। बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटी में भी मैं गया, लेकिन मेरी मम्मी ने शादी मेरी जल्दी करा दी थी। वो क्यों? और अच्छा, मुझे शौक़ था जो है वो लव मैरिज का, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। मम्मी ने जल्दी शादी करा दी तो पूरा मेरी बहनों ने मिलकर सब ने बाइकआउट कर दिया, मेरा खाना पीना बंद कर दिया। जब तक ये शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगा जो है उसको खाना पीना भी नहीं मिलेगा, तो मैं अपने अबू के पास जाके बैठा रहता, पापा आपका खाना मुझे खिला दो, ये मुझे जो है ना खाना पीना भी बंद कर दिया इन्होंने। 18 साल की उम्र में इन्होंने मेरी जो है वो मंगनी करा दी और फिर लड़ता रहा भी 20 तक जो है वो मेरी शादी हो गई। असूलन तो आपको भूख हड़ताल करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, अब मेरी वाइफ जो है वो मुझे भूख हड़ताल तो क्या, खाना पीना वो भी बंद कर देगी। ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो साथ आपकी तो अब 18 साल से ज़्यादा एज हो गई है, तो क्या आपका भी कोई लव मैरिज का इरादा है? देखिए कभी कभार हो जाता है, ये मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है जहाँ तक ये हमारा ख़ानदानी मसला है थोड़ा सा तो ये अक्सर अवकात ये इशूज़ उठते हैं, और फिर लेकिन लव मैरिज जो है सिर्फ एदी साहब कर सके, हम नहीं कर सके बाकी इसकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी मर्ज़ी है, ये अगर अपनी मर्ज़ी से भी शादी करना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कोई एतराज़ नहीं है? हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मम्मी को एतराज़ होगा और दादी माँ को एतराज़ होगा, पप्पो को एतराज़ होगा, यानी आपके साथ भी वही होगा जो वालो साहब के साथ हुआ। देखिए वो तो डिपेंड करता है ना, अगर लव मैरिज करनी है तो मैं पापा की तरह नहीं करूँगा, मैं फिर डायरेक्ट कोर्ट में जाऊँगा शादी करके सामने आ जाऊँगा यानी आप अपनी वालदा को पैगाम दे रहे हैं? मैं पहले से ही बताना चाह रहा हूँ कि वो तैयार है, अगर इनकेस कुछ ऐसा होता है तो फिर इस तरह से होगा, मैं शादी करके सामने आ जाऊंगा। कहीं लव बार बार ना होता रहे ना, ये मसला है। नहीं, मसला ही यही है, लगाते रहेंगे तो। फैसल भाई, जितना बड़ा ईदी फाउंडेशन का निज़ाम है, इतना बड़ा एम्बुलेंसेज का नेटवर्क है, बल्किस ईदी होम्स हैं, फाउंटेन हाउसेज हैं, उसके अलावा भी बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सब किस तरीके से काम करते हैं, इनमें कैसे आप यूनिफॉर्मिटी लाते हैं? हमारा मैनेजमेंट स्टाइल बहुत बेसिक है, सिंपल है, और उसी वजह से हम लोग कामयाब हैं। हमारा टोटल बजट जो है वो 2 अरब रुपया है पूरे पाकिस्तान का, और अब वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब मैं मज़ीद नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा हूँ, और इंशाल्लाह मेरे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस इदारे पे बोझ नहीं बनेंगे। शुरू में जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी उसमें जो है वो थोड़ा सा उसमें बहुत आएगा, और लोगों से मैं अपील भी करूँगा जब इंशाल्लाह अनाउंसमेंट करनी पड़ी। ईदी साहब, आप समेत बहुत से लोगों को यतीम करके चले गए, क्या उनका ये खला कभी पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा,
उनके जैसा कोई भी नहीं बन सकता और कोई इनकी जगह नहीं ले सकता। बस अल्लाह ताला ऐसे लोग जो हैं वो सैकड़ों सालों में पैदा करते हैं। कुछ लोग जो है वो तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ लोग जो है वो तारीख़ के उन औराक में चले जाते हैं जो भुला दिए जाते हैं। लाएं जी वो, ये सर आपके लिए एक छोटा सा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, इजाज़त। धन्यवाद।